धनकौर क्षेत्र की एक प्रतिभा लव शर्मा जी, जो धनकौर ब्लॉक के धनौरी गांव के रहने वाले हैं, अब यूट्यूब की दुनिया में धमाल मचाने को तैयार हैं। हाल ही में इनका कई वीडियो रिलीज हो चुके हैं, जिसमें ब्राह्मण सॉन्ग भी हैं और एक कॉमेडी वीडियो भी है। हमारे साथ मौजूद हैं लव शर्मा जी, बात करेंगे कि इस तरह की प्रेरणा इन्हें कहाँ से मिली, क्या करना चाहते हैं, क्या तैयारियाँ हैं। नमस्कार, मैं आपका अपना लव शर्मा, विलेज धनौरी से, ग्रेटर नोएडा से। अच्छा, आप इसकी यूट्यूब की दुनिया में शुरुआत की है आपने? जी सर। क्या मकसद है आपका? सर, मेरा मकसद यही है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए मैं कुछ करूं, कुछ मनोरंजन की चीजें बनाऊं, जैसे कॉमेडी वीडियोज हैं, शॉर्ट मूवीज हैं, अब मेरे गाने भी आने वाले हैं, गाने हैं पंजाबी सॉन्ग्स, हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग्स। आप इंडिया की एक भारत की बहुत बड़ी नगरी मानी जाती है जी, ग्रेटर नोएडा जी, उसमें रहते हैं, तो आप कैसा फीलिंग करते हैं? सर, ग्रेटर नोएडा की अब तो आजकल सब जगह जानते हैं ग्रेटर नोएडा क्या चीज़ है, लेकिन बहुत अच्छा प्राउड फील होता है कि हम एक इंडिया की बहुत अच्छी सिटी में रहते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आने के लिए तरसते हैं। अच्छा, आप के कौन कौन से सॉन्ग आ सकते हैं या आपके कौन कौन से कार्यक्रम या यूट्यूब पर देखे जा रहे हैं? जी सर, मेरा कार्यक्रम ये है कि सर, हमारा जो पहले हमने स्टार्टिंग में काम करा था, कवर सॉन्ग बनाया था मेरा इंतकाम देखेगी, वो काफ़ी मैंने 2 या 3 साल पहले बनाया था, रिलीज करा था। उसके बाद में हमने ब्राह्मण सॉन्ग बनाया, अभी उसके बाद में फिर हमने एक कॉमेडी वीडियो भी बनाई है, और उसके बाद में हमारे शोले मूवी एक आने वाली है, शोले के ऊपर कॉमेडी वीडियो वो भी, उसके बाद में हमारे पंजाबी सॉन्ग एल्बम आने वाली है, उन पर काम चल रहा है। अच्छा, आपका कोई आने वाला नया सॉन्ग जो जिसकी तैयारी में आपने? हाँ, मेरे आने वाले सॉन्ग है पंजाबी सॉन्ग है, जिन पर हम काम कर रहे हैं, कई सारे सॉन्ग हैं, हरियाणवी भी हैं, पंजाबी भी हैं। अच्छा, आपने अपने चैनल का नाम इसका जी लव रिकॉर्ड क्यों रखा? सर, लव रिकॉर्ड इसलिए रखा क्योंकि सर मेरा नाम बेसिकली जो हितेश शर्मा है, तो हितेश शर्मा मेरे को इतना अच्छा सूट नहीं करता था, जब मैं काम करता था सब बोलते थे हितेश हितेश, थोड़ा लंबा भी हो जाता है, इसलिए मैंने स्मॉल नाम रखा लव, उसी के नाम से चैनल का नाम रखा लव शर्मा लव रिकॉर्ड। अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल सर, मेरी पृष्ठभूमि जो है वो धनौरी है, जहाँ पे मेरा एक छोटा सा फैमिली है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जैसा भी है ठीक है, मेरे फादर भी फार्मर हैं, लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूँ फैमिली के लिए कुछ बड़ा। तो आप इंजीनियर जी होने के बावजूद उस लाइन को छोड़कर इस यूट्यूब जी सर हैं। जी सर, उस पर आपका क्या कहना है? सर, मेरा यही कहना है कि अब सर मैं वहाँ पे काम करता था, मेरा मन नहीं लगता क्योंकि मेरा पैशन, मेरा एम सारा कुछ यही है, एक्टिंग मॉडलिंग, तो मेरा वहाँ पे मन नहीं लगा, इस वजह से मैंने जॉब ड्रॉप करी, अब मैं ये काम करने के लिए रेडी हूँ। अच्छा, यूट्यूबर्स जो हैं आपके जी सब्सक्राइबर हैं और भी हैं, लोग आपको जी देख रहे हैं, सैकड़ों हजारों लोग देखेंगे जी सर, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सर, मेरा यही मैसेज है कि आप हमारा काम देखिए, हमारा चैनल है लव रिकॉर्ड के नाम से, सर इसमें वीडियो के नीचे लिंक दे देंगे आपको, सब जाएं चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में करके बताएं कि काम कैसा लगा, और आगे भी आपको मनोरंजन की चीज लाते रहेंगे हम आपके लिए। आपकी एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा? सर, एजुकेशन ये कि मैंने 10th और 12th पास आउट किया है यूपी बोर्ड से, एंड मैंने डिप्लोमा किया हुआ है एमटी कॉलेज ऑफ ग्रेटर नोएडा से, और मैं इंजीनियर भी एज ए इंजीनियर डेजिग्नेशन जॉब कर चुका हूँ भिवाड़ी अलवर राजस्थान, एंड अब ये काम कर रहा हूँ। आगे का इन फ्यूचर क्या प्लान है आपका? सर, इन फ्यूचर ये प्लान है मेरे को अपना जो मतलब लव रिकॉर्ड है, मेरा चैनल है, मेरी कंपनी है, मतलब मेरी फैमिली वही है सब कुछ जो भी है अभी फिलहाल, मैं उसी को जितना मोनेटाइज होता है उतना ही करूँगा। अच्छा, आप जैसी सफलता प्राप्त कर रहे हैं जी, सफलता के साथ चल रही है जी, इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? सर, इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट उन लोगों को जाता है जो मतलब मुझे सपोर्ट करते हैं, कि मेरा थोड़ा सा जो नेगेटिविटी हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई सपोर्ट नहीं मिल रही है, काम नहीं चल रहा है, तो मेरे एक भैया है मौसी के लड़के नीरज शर्मा, उनने मुझे काफी सपोर्ट करा है, मेरी मामा की लड़की है श्वेता शर्मा, उन्होंने भी, और मेरे पापा मम्मी सब सपोर्ट कर रहे हैं, खैर अब तो सारे लोग। अच्छा, कोई काम आदमी करता है उसकी प्रेरणा उसे मिलती है जी, आपको इसे YouTube की दुनिया में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सर, मैं काफी टाइम से YouTube देखता था, मेरा यही था कि मेरे को YouTube बनाना है, अपना चैनल बनाना है, काम करना है, तो अमित भड़ाना और ये अभी कैरी मिनाइटी आया था जल्दी में, तो सबकी वीडियोज मैंने देखा, तो मुझे लगा कि मैं भी कर सकता हूँ, जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सर।